जहां दुनिया के कई देश नोवेल कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहे थे, वहीं इसे देश में फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कदम उठाया गया, वो था लॉकडाउन का। उन्होंने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई, जिसके बाद सभी के घर से निकलने में प्रतिबंध लग गया था। जाहिर आह्वान सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की नागपूर शहरात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर व आयुक्त महानगरपालिका यांनी लॉकडाऊनचे आदेश जारी केले आहे। त्याचप्रमाणे माननीय पंतप्रधान यांनी ही लॉकडाऊनचे आवाहन केले आहे। सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येते की अनावश्यक बाहेर फिरणे टाळावे, तसेच सर्व आस्थापनाधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपल्या दुकाने बंद ठेवून पोलिसांना सहकार्य करून समाजाचे स्वास्थ्य राखणे कामी मदत करावी। धन्यवाद। केवल अतिआवश्यक कार्य के लिए निकलने की अनुमति थी, किंतु इस महामारी ने भारत देश में भी धीरे धीरे अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। यहाँ एक संसर्ग जन्य बीमारी है जो संक्रमण से फैलती है। यहाँ एक मामूली सर्दी, बुखार, खांसी और बदन दर्द से होती है। फिलहाल इस बीमारी पर उपचार शोध जारी है। दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इसमें अब तक पूरी 50,000 से अधिक लोगों की जाने जा चुकी है। हमारे देश में भी 53 लोग इसकी बलि चढ़ चुके हैं और इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। जो कि यह संक्रमित बीमारी है, इसके चैन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे कि कोई भी अपने घर से ना निकले और इस चैन को तोड़ने में मदद करे। सभी सामाजिक व निजी प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। केवल जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शुरू है। इस प्रतिबंध से तो लोग घर में रहकर इस बीमारी को हराने में कामयाब हो जाएंगे, किंतु एक वर्ग जो हमेशा अपनी जरूरतों के लिए बाहर मारा मारा फिरता है, उसके लिए यह बड़ी समस्या है। प्रतिबंध मतलब उनकी रोजमर्रा की मजदूरी पर रोक लगाना है, जिससे वह रोज कमाकर खाता है। ऐसे वर्ग के लिए यह बेहद कठिन समय है। कोई भी मजदूर वर्ग भूखा ना रहे, इस बात को प्राथमिकता देते हुए संदेश फाउंडेशन मदद के रूप में सामने आई है। जब से भारत में लॉकडाउन हुआ है, सब कामकाज जो कि तो रुक चुके हैं। ऐसे में लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं, मगर जो बेसहारा ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनकी संख्या नागपुर शहर में बहुत बड़ी है। ऐसे लोगों को खान पान के लिए, उनको पूरी सुविधा देने के लिए हर कोई स्वयंसेवी संस्था आगे आते हुए नज़र आ रही है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको बता सकते हैं कि नागपुर के ये वही श्री अन्नपूर्णा सेवा और संदेश फाउंडेशन है, इनके जानिब से आज यहाँ देख रहे हो कि तमाम ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए, चाहे चावल हो, दाल हो या अन्य कुछ ऐसे सामग्री हो, उन्हें दिया जा रहा है। यहाँ पे पूरा राशन इकट्ठा किया गया, बड़े पैमाने पे किया गया है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि जिस प्रकार से आज ये जो स्वयंसेवी संस्था के लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, आगे आ चुके हैं, वो अपने आप पे तारीफ़ें काबिल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से संचारबंदी लागू की थी, संचारबंदी का पालन करते हुए लोग आ रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनको खाना खिलाने के लिए ऐसे स्वयंसेवी संस्था के आप ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए हम रुक करना चाहेंगे। सबसे पहले अग्रवाल साहब हमारे साथ में हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये कार्यक्रम लिया गया है, क्या कहना चाहोगे? आपने अब तक आपका तजुर्बा देखते हुए क्या कहना चाहोगे? तो गरीबों की सेवा है, ज़रूरतमंदों की सेवा है, जिनको टाइम पर अनाज नहीं मिल पा रहा, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, उनको पहुँचाना ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें। इनका उद्देश्य जरूरतमंदों को सहारा देना और भूखों को खाना खिलाना है। आर संदेश फाउंडेशन के माध्यम से ये जो हमने मुहिम को हाथ में लिया है, हम इसमें कोशिश करेंगे कि जब तक देश इस परेशानी की घड़ी से बाहर ना निकले, तब तक गरीब लोगों को मदद आगरे तक पहुँचाए। और हम कोशिश कर रहे हैं राशन के अलावा मास्क, सैनिटाइजर और अन्य
पीपीई किट भी मेडिकल डिपार्टमेंट को दिया है। सारे तरीके से सरकार को सभी जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फाउंडेशन द्वारा गरीबों में चावल, गेहूं, तेल, मिर्ची, नमक के पैकेट्स वितरित किए जा रहे हैं। आजू बाजू से बाकी लोगों से जो मदद मिल रही है, अपने मदद की वो सबको इकट्ठा करके हम एक म्यूनिसपैलिटी की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से, दूसरे महकमे की तरफ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। अग्रसेन चौक स्थित अग्रसेन भवन में इस कार्य के लिए संस्था के कार्यकर्ता और अन्य सहकर्मी भी मदद के लिए आगे आए हैं। इनका उद्देश्य केवल जरूरतमंदों तक अनाज के पैकेट्स को पहुंचाना है। हम आज संदेश फाउंडेशन के माध्यम से नागपुर शहर के जितने थाने हैं सबको मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स हमने सबको प्रदान किया है। इसके अलावा हम लोग दो शेल्टर होम, एक अग्रसेन भवन रविनगर में, दूसरा कि महाजनवाड़ी गांधीबाग में चला रहे हैं, जो कि जो बेघर, जो बाहर के मजदूर या बाहर से आए हुए जो भी अपने भाई बंद है, जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनके लिए व्यवस्था की गई है। सुबह चाय पानी, नाश्ते से लेकर दोनों समय का भोजन और उनकी पूरी व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। इस फाउंडेशन ने अब तक 10,000 से अधिक जरूरतमंदों को यह अनाज वितरित किया है और इनका लक्ष्य 2,00,000 से अधिक लोगों तक अनाज पहुंचाना है। इसके अलावा ये जो आप किट देख रहे हैं, ये हम लोगों ने करीबन टारगेट रखा है अभी 50,000 परिवारों को कम से कम 20 दिन का राशन हम लोग मुहैया करा सके, ऐसी हमारी कोशिश है और ये कोशिश जारी रहेगी। आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे, जो बन पड़ेगा हम समाज के लिए, देश के लिए, मोदी जी जैसा बोले उसके लिए हम आगे प्रयत्नशील रहेंगे। तीसरी बात, हमारे साथ में पूरा होलसेल दवा बाज़ार हमारे साथ में संलग्न है, जिसके कारण हमको कोई भी चीज़ की दवाई, सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट्स, जो कि हमने कई सरकारी हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, हर जगह पीपीई किट्स भी हमने प्रदान की है, जहाँ जहाँ से हमको डिमांड आई है। इसके अलावा गवर्नमेंट के सरकारी, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, जिलाधिकारी कार्यालय हो, म्यूनसिपल कार्यालय हो या पुलिस प्रशासन हो, प्रशासन हमको जहाँ जहाँ बोलता है, जहाँ जहाँ मदद मांगता है, हम कोशिश करते हैं हम उनकी पूरी मदद कर सके और आगे भी हम ये चीज़ का प्रयत्न करते रहेंगे। जब तक कि ये महामारी देश से चली नहीं जाती, तब तक हमारा प्रयत्न खत्म नहीं होने देंगे, ये हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, संदेशन फाउंडेशन ने अग्रसेन छात्र निवास और महाजनवाड़ी में लोगों को आश्रय दिया है, जिन्हें संस्था द्वारा सुबह की चाय से लेकर 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है। धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सब सेवादारों का, कार्यकर्ताओं का, जो कि तन मन धन से दिन रात हर कोई चीज़ की चिंता नहीं करते हुए, लेकिन सावधानी बरतते हुए पूरी देश की सेवा कर रहे हैं। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है संदेश फाउंडेशन अपनी तरफ से। इस फाउंडेशन ने शहर के कई पुलिस स्टेशन में मास्क, सैनिटाइजर भी बांटे हैं, साथ ही मेडिकल और मेयो के डॉक्टरों को N95 मास्क और PPE की किट भी वितरित की है। परिवारों को इसका फायदा पहुंच चुका है। हमारा टारगेट 50,000 है, जरूरत पड़ी तो हम 50,000 से 75,000 भी कर लेंगे, 60,000 भी कर लेंगे, 1,00,000 भी कर लेंगे, जैसा भगवान ने चाहा। देश के लिए हर कुछ प्रयत्न करने के लिए हम लोग तैयार है। देश में महामारी तो फैली हुई है ही, किंतु गरीबों पर भुखमरी भी है, क्योंकि इस महामारी की मार गरीब और मजदूर वर्ग को अधिक पड़ रही है। कई मजदूर वर्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में कमाने के लिए आते हैं, उनके लिए यह समय बेहद कठिन हो गया है। फाउंडेशन के माध्यम से ये जो महामारी आई है और उससे जो एक देश में तकलीफ पैदा हो रही है, बेरोजगार गरीब आदमी को खाने की तकलीफ है, लोगों को अपने घर पहुंचने की तकलीफ है, जैसे कि अभी हमारे भैया ने बताया, हम शेल्टर होम भी चला रहे हैं और सबको अनाज बांट रहे हैं, और ये जो प्रक्रिया है, जब तक के हमारा ये महामारी का प्रकोप अपने देश से जाता नहीं है, हम कि नहीं ये अपनी जो व्यवस्था है इसको लागू करते रहेंगे और ये काम हमेशा करते रहेंगे। जब तक ये प्रकोप जाता नहीं है, तब तक के हम सब लोगों की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। कई लोग तो अपने घरों की ओर वापस निकल चुके हैं, किंतु लॉकडाउन के चलते उन्हें किसी तरह का साधन नहीं मिलने से इन लोगों पर पैदल जाने की नौबत आ गई है। हर तरफ से
गरीब व मजदूर वर्ग ही पिस रहा है। महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन की वजह से सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए, जिस वजह से गरीब व मजदूर वर्ग दो वक्त की रोटी कमाने में भी असमर्थ हो गया है। कई संस्थाएं गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण करने के लिए आगे आई है, किंतु संदेश फाउंडेशन ने एक महीने का राशन देने का कार्य शुरू किया है, जिससे इन असहाय लोगों को एक महीने तक अनाज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इस फाउंडेशन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना है, जो कि एक सराहनीय पहल है। यदि संदेश फाउंडेशन की तरह अन्य संस्थाएं भी भोजन के साथ साथ दाल, चावल, नमक, मिर्ची और जरूरती चीजों की किट गरीबों में वितरित करेगी तो गरीबों को भटकना नहीं पड़ेगा और हम इस महामारी से निपटने में सक्षम हो सकेंगे। नागरिकों ने यदि प्रशासन के निर्देशों का पालन किया, संदेश फाउंडेशन और अन्य संस्थाओं ने समय समय पर जरूरतमंदों को जीवन आवश्यक चीजें वितरित की, तो लॉकडाउन की समय सीमा 14 अप्रैल को ही समाप्त हो सकती है। साथ ही सभी व्यवसाय शुरू हो सकेंगे और मजदूर वर्ग भी अपने कामों पर लौट सकेंगे। इनबीसीएन से दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।